परम पूज्यवर साहेब जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। कल मैंने चर्चा किया था कि घर कैसे बनते हैं और मकान कैसे। घर का निर्माण हर व्यक्ति कर सकता है, मकान सभी लोग नहीं बना सकते। मकान बन गया, घर बन गया, अब खुद को बनाना है। खुद को बनाना है, खुद को संवारना है, खुद को सजाना है और खुद का निर्माण करना है। सफलता की तीन निशानी है, सेवा, स्वाध्याय और साधना। ये तीनों ही आदमी का विकास का क्रम है ये, और सबसे पहला क्रम है सेवा। जो व्यक्ति सेवा में आगे बढ़ता है वह व्यक्ति हर जगह सफलता प्राप्त करता है। सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी के दिल को जीता जा सकता है और सबके प्रीकर प्रिय हुआ जा सकता है। जो आदमी सेवा से अपने को चुराएगा, देह चुराएगा, जो आदमी सेवा नहीं करना चाहेगा, छल करेगा, कपट करेगा, वो आदमी अपने पिता के नहीं होंगे, ना अपने पुत्र के होंगे, ना अपने पड़ोसी के होंगे, ना देरान के होंगे, ना जेठान के होंगे, न समाज में संतों के होंगे, न गुरु के होंगे, न शिष्य के होंगे, न गुरु भाई के होंगे। जो भी घर में यदि कोई नई बहू आई है वो भी यदि अच्छी सेवा करती है, घर में तीन बहुएं हैं लेकिन तीन बहुएं में एक बहू है जो दौड़ दौड़ के सेवा करती है, बड़ी बहू दौड़ दौड़ के सेवा कर रही है, उसके बाद आई है वो बहू है, उसके बाद आई है वो बहू है, तो होता क्या है, जो उसकी सासू माँ है वो बड़ी बहू से प्यार करती है, बड़ी बहू से प्यार करती है। खुदन खास्ता होता यह है कि कुछ दिन बाद छोटी बहू ज्यादा सेवा करने लग जाती है, छोटी बहू ज्यादा सेवा करने लग जाती है, बड़ी बहू उनकी दिमाग से उतर जाती है सासू माँ की। इसलिए जो भी जीतना चाहते हैं परिवार में, किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत है सेवा की। सेवा से ही आप विकास कर सकते हैं। काम करने से कोई आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर होता है मन में हीनता भाव प्रकट करने से कमजोर होता है, और हमेशा हमारे अंदर द्वेष का भाव जलता रहता है। नहीं, मैं क्यों करूं वो करेगी, मैं क्यों करूं वो बड़े वाली करेगी। और जितना हम अपने को ये गुणनवाद करने में जितना चिंतन और मनन करते हैं, मन में द्वेष का भाव, मन में छल और कपट का भाव पैदा करते हैं, उतना ही हम कमजोर होते चले जाते हैं, मैं क्यों करूं। और जो आदमी आगे बढ़ता है उनको शाबाशी मिलती है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी अपना काम हो जाने के बाद भी अपना काम नहीं है, बड़ों का काम है या छोटों का काम है, कभी जा करके उनके हाथ बटा देते हैं, उनका दिल का दरवाजा खुल जाता है, प्यार से आपसे बात करते हैं, आपने मेरा सहयोग कर दिया, आपको क्या कहूं मैं। इसलिए सेवा, सेवा सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। सेवा का तीन सोपान है, तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा। ये संत गुरु जनों की अहित की कृपा है, बिना हेतु के कृपा करते हैं, जो कि समाज के लिए तन मन और धन तीनों प्रकार की सेवा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये साधु हो गए हैं लोग, काम करने के डर से हम उन लोगों को कहते हैं हमारे साथ दो दिन टिक जाए, फिर पता चलेगा काम क्या होता है, इलाहाबाद में कैसे काम होते हैं। यहाँ गए होंगे, देखे होंगे इलाहाबाद की तैयारी कौन करते हैं। हमारे जितने भी आश्रम है, सूरत आश्रम है, छत्तीसगढ़ है, जितने भी है, सारे सेवा का काम हमारे संत लोग ही करते हैं। जहां तक के टॉयलेट सफाई से लेकर के भोजन बनाना, सफाई करना, मकान की सफाई करना, पूरा टेंट पंडाल की व्यवस्था करना, माइक गाड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज की व्यवस्था करना हमारे संत करते हैं। उसके बदौलत क्या मिलता है उनको, पैसा मिलता है नहीं,
बस एक उद्देश्य रहता है, कितना अच्छा इसको मैं करके बनाऊं और कितना अच्छा से अच्छा करके मैं दिखाऊं। यही मन में जो सोच होती है, मन में सोच होती है, यही सोच आदमी को ऊपर उठाता है। और आदमी जितना सोचता जाता है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, हम अपने लोगों से, मैं कल भी ये चर्चा किया था कि हम अपने ही लोगों से फिर पराया होते चले जाते हैं। आप आई हैं, घर में आती हैं, ससुराल में आती हैं, शादी होकर के आने के बाद में आप अपनी बहू, आप अपने सासू माँ के हो जाती है, लेकिन जैसे ही सासू माँ के होती है कुछ दिन बाद आपके घर में नया फिर से देरानी आती है, वो आ जाती है, आपके मन में भेद चालू हो जाता है, भेद चालू हो जाता है। अब मैं क्यों करूं, वो करेगी, अब अपने सासू माँ की आप नहीं रह जाती है, अब अपने सासू माँ की नहीं रही तो अब आप किसका होंगे, अब अपने आप का नहीं हो पाएंगे। इसलिए सेवा से ही सबका दिल जीता जा सकता है। जीतिए सबके दिल को, सबके हो जाइए। और हम क्या हो रहे हैं, हम हो क्या रहा है कि हम अपने ही लोगों से हम पराए होते चले जा रहे हैं, अपने ही पुत्र से, अपने ही पिता से, अपने ही देरान से, अपने ही जेठान से हम वैर गांठते चले जा रहे हैं। जीवन में जो आनंद होना चाहिए, जीवन में जो उत्साह होना चाहिए, जीवन की जो कमाई होना चाहिए, वो जीवन की कमाई हमने नहीं कमा पाया। क्या कमाया हमने, मैं कल भी चर्चा किया था, हमने धन कमाया, मकान कमाया, गाड़ी घोड़े कमाया, सब कुछ कमाया, विकास सब कुछ का करते चले गए और अपने मानसिक ह्रास होता चला गया। मन में जो पहले 8 साल से 10 साल पहले जो मन में शांति और सुकून था, वो शांति और सुकून गायब हो गया। सब चीज तो बढ़ा लेकिन आत्मशांति नहीं मिली। सब कुछ तो बढ़ा, सुविधाएं बढ़ती चली गई, घर में सोफा सेट, डाइनिंग सेट सब चीज है, लेकिन माइंड अपसेट है। क्या मतलब है ऐसे चीज से? बहुत से, कल भी ये चीज कहा था मैं कि बहुत से लोग हैं जिनके पास में रहने के लिए छाया नहीं है, रहने के लिए छाया नहीं है। जीवन के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, रोटी, धोती और छाया। किसी को बिरला लोग होंगे इस दुनिया में जिसको नहीं मिलता है, और अधिकतम 90-95% लोगों को रोटी, धोती, छाया सहज ही मिल जाता है। पर भी आदमी बेचैनी जिंदगी जीता है, पर भी आदमी अपने बेशकीमती जीवन को यूं ही नरक में गंवा देता है। अपने आप से पूछना चाहिए, मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए था, क्या मैं जी पा रहा हूं? तो अपने आप से उत्तर आएगा, नहीं, मुझे प्रेम का जीवन जीना चाहिए था, मैं नहीं जी पाया। मुझे ऐसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कटु वचन बोला। मुझे माँ के साथ अच्छा वर्ताव करना चाहिए था, अच्छा वर्ताव नहीं कर पाया। पिता के साथ अच्छा वर्ताव करना चाहिए था, नहीं कर पाया। अपने आप से उत्तर आएगा, अपने आप से उत्तर आएगा। हम आज अवसर मिला है, आज जिंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन के तकदीर बदल सकते हैं, अपने अपना भविष्य का निर्माण हम खुद कर सकते हैं। अपने हाथों में है अपने भविष्य का निर्माण करना। भगवान और भगवती के भरोसे में मत बैठे, भगवान और भगवती के भरोसे में आपके नैया पार नहीं होने वाले हैं। आपके नैया आपको खुद पार लगाना है, खुद को पार लगाना है। जितने भी भगवान हैं सभी भगवान आदरणीय हैं, लेकिन सर्वोत्तम भगवान इंसान एक ऐसा भगवान है जो हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में मौजूद होता है। इंसान ही एक ऐसा भगवान है, इंसान ही एक ऐसा भगवान है जो सब जगह हर व्यक्ति के लिए हौसला बुलंद करता है। इसलिए अपने आप से पूछे और अपने आप से पूछ करके नए जीवन का निर्माण करें। सेवा के बाद है साधना, सेवा श्रद्धा और साधना। श्रद्धा है आत्मचिंतन, आत्मचिंतन हम सबको करना चाहिए। हम पूरे अपने जीवन के एक दिन और एक रात का 24 घंटा होता है, इस 24 घंटा को हम कहां लगाते हैं समय को? जिस चीज के लिए हम समय लगाते हैं वो चीज हम सबको मिलता है। जिस चीज के लिए हमने समय लगाया वो सारे चीज हम सबको मिला है। मैं कल भी कहा था कि हमने विकास के लिए समय लगाया, हमारा विकास हुआ है, लेकिन क्या हम उस 24 घंटा में से आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा अपने लिए देते हैं समय? क्या उस आधा घंटा, 1 घंटा उस परिवार के लिए समय देते हैं? आप परिवार के लिए क्या करते हैं? हम सोचते हैं परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप?
धन इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, इतना ही विकास है परिवार का? ये तो गाड़ी घोड़े का विकास है, धन दौलत का विकास है, परिवार का विकास है, लेकिन आत्म विकास नहीं हुआ तो कौन सा विकास है? और लोग ये कहा करते हैं, हर लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता है कि मैं इतना किया परिवार के लिए, बच्चों के लिए इतना किया, लेकिन बच्चे मेरे कहाँ नहीं मानते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कैसे कहाँ मान जाएंगे? कहते हैं साहब हमने एक एक पाई जोड़ जोड़ करके एक एक पाई जोड़ा और सब कुछ बच्चे को सौंप दिया, पर भी बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। लोग ये कैसे कह देते हैं कि कहाँ नहीं मानते? आपके बच्चे कहाँ मानते हैं? आपने जो सिखाया वो करते हैं? आपने बच्चे को एक एक पाई जोड़ करके इकट्ठा किया और सब कुछ सिखाया, क्या सिखाया? आपने मकान कैसे बनाना है, आपके बच्चे मकान अच्छे बना रहे हैं ना? आपने बच्चों को सिखाया जमीन कैसे खरीदना है, वो जमीन पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदता है, इंजीनियरिंग कैसे करना है इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ाई कैसे करना है पढ़ाई करता है, गाड़ी कैसे चलाना है गाड़ी चलाता है, और मोबाइल कैसे चलाना है सब सिखा दिए है, सब चलाते हैं। आपने ये चीज़ सिखाया, कैसे कह दिए बच्चे कहाँ नहीं मानते? अब कहते हैं बच्चे को मैं कुछ कहता हूँ तो कहाँ नहीं मानते? आपने वो चीज़ ही नहीं सिखलाया है, बदौलत ये बात है। आपने वो चीज ही नहीं सिखाया कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, सत्संग में जा करके सत्संग सुन करके जीवन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये चीज आपने सिखलाया ही नहीं, तो कैसे बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे? आपने बच्चों को कभी आश्रमों में, अनाथालय में, वृद्ध आश्रमों में ले जा करके संतों के चरणों में झुकना नहीं सिखाया? आपने संतों के चरण में जाकर के कभी सेवा श्रद्धा और साधना के बारे में नहीं बताया आपने? क्या इतना मात्र से आपके बच्चे कहाँ मान जाए कि आपने बच्चों को अपने जीवन की सारी संपत्ति दे दिया? संपत्ति तो बाप नहीं है, वो भी दे देते हैं गरीब लोगों को, उसको बाप मान लेंगे? संभव नहीं है ना। आपका व्यक्तित्व तो इतना भारी होना चाहिए, आपका हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके आपके पास झुकने के लिए हमेशा तैयार रहे, आपके चरणों में गिरने के लिए हमेशा तैयार रहे। आप अपना व्यक्तित्व तो इतना विशाल और हृदय विशाल हृदय बनाइए कि आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके। हम अपने ही व्यक्तित्व तो को खोखला कर लेते हैं, अपने ही आचरण को खोखला कर लेते हैं, अपने ही शब्दों में हल्कापन डाल देते हैं। कैसे हल्कापन डाल देते हैं? हम जब भी बोलते हैं जो शब्द नहीं बोलना चाहिए, जैसे नहीं बोलना चाहिए, तीखे वचन का प्रहार करते हैं। कल भी इस पर कहा था मैं कि हम मीठा शब्दों का प्रयोग करें, बच्चों को सही दिशा में ले जाने का तरीका है ये। हम खुद एकदम स्ट्रिक्ट रहे अपने आप में, हम खुद अपने जीवन का निर्माण करें। हमारा हर कर्म पूजा हो, हमारा सोचना अच्छा हो, बोलना अच्छा हो, चलना अच्छा हो, और कल इसी पर पूज्यवर साहब जी कह रहे थे अच्छा जीवन, अच्छा जीवन, बिगड़ा जीवन और अच्छा जीवन आपके हाथों में है, आप कैसा जीवन चाहते हैं, आप कैसा जीवन चाहते हैं आपके हाथों में। इसलिए आपके बच्चे आपका कहा मानेंगे, आप वो चीज सिखाइए। कभी आश्रमों में बच्चों को ले जाइए, कभी सत्संग होता है वहां पर ले जाइए, और कभी आपके पास हैसियत है ताकत है तो कम से कम 6 महीने में, साल भर में आप अपने घर में जिन संतों को, जिन गुरुजनों को मानते हैं उनको बुला करके कभी छोटा मोटा सत्संग कर लिया करें। जिसको आप मानते हैं, जिस मत पंथ और जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को बुलाइए जिससे जीवन जीने की कला मिलती है। ऐसे लोगों को बुलाइए जिससे जीवन हमको देख करके अपने आप में साहस भरता है कि वास्तव में इन लोगों का जीवन आदरणीय है, इन लोगों का जीवन पूजनीय है, इनसे हमको कुछ प्रेरणा मिल सकता है। इसलिए आप घर में सत्संग करिए, कभी 6 महीना में, साल भर में। आपके पास बड़ा पैसा है, ज्यादा पैसा है तो बड़ा प्रोग्राम करिए, नहीं है तो छोटा प्रोग्राम कहीं सही करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करिए। नहीं तो आज के बच्चे कल अध्यात्म की परिभाषा ही नहीं जानेंगे। बस बच्चे इतना जानेंगे पैसा कैसे कमाना है, मकान कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ये दुनिया की घौड़ दौड़ में इतना घुल मिल जाएंगे कि अध्यात्म की परिभाषा ही भूल जाएंगे। अध्यात्म क्या है, जीवन क्या है, इसके बारे में उनको पता ही नहीं होगा। कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे माता पिता को आदर दिया जाता है, कैसे संत गुरुजनों के चरणों में झुका जाता है, कैसे जीवन का निर्माण होता है, और किस वजह से इस भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा गया, किस वजह से इस भारत देश को आज इस भारत देश के सामने पूरी दुनिया झुक रही है,
वो बच्चे आज के बच्चे कल नहीं जान पाएंगे यदि आपने ये चीज नहीं सिखलाया तो। इसलिए सभी से निवेदन है कि सेवा के बाद श्रद्धाए और साधना पर ध्यान दीजिए, श्रद्धाए करिए। श्रद्धाए, श्रद्धाए का मतलब ही होता है खुद का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। हम खुद का अध्ययन नहीं करते, हम पूरी दुनिया को जानते हैं लेकिन खुद का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। सब कुछ जाना और अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना, सब कुछ जानना बेकार चला गया। सेवा, श्रद्धाए और साधना, साधना अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन। इसलिए ये विकसित जीवन, विकासशील जीवन का ये तीन सीढ़ी है, सेवा, श्रद्धाए और साधना। इससे हम अपना विकास कर सकते हैं। जीवन की सफलता इसी में है कि हम जब तक जिए हम एक दूसरे के होकर के जिए, परिवार में जिन लोगों के बीच में रहे वो लोग हमको सम्मान दे सके, परिवार में माता पिता को हम सम्मान दे, परिवार में आपके बच्चे आपको सम्मान दे, ऐसा वजनदार जीवन व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व का निर्माण करिए। इतना वजनदार व्यक्तित्व हो आपका कि आपके बच्चे कहीं भी आप आए, आप कहीं से भी, तो आपके सामने झुकने के लिए बच्चे तैयार रहे। इसी में ही जीवन की सफलता है और यही विकास का क्रम है, इसी से ही आपका विकास है। नहीं तो सिर्फ गुरुदेव जी सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, हम सिर्फ माटी गोबर का विकास कर रहे हैं। यदि अपना विकास नहीं किए तो सिर्फ माटी गोबर का विकास कर रहे हैं। ये जीवन भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है मात्र, गुरुदेव जी कहा करते थे ये जीवन मात्र भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है, बल्कि इससे हट करके कुछ जीवन और अलग है। उस जीवन को समझे और खुद का निर्माण करे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।